और अब वोडाफोन आइडिया, मनोज तिवारी जी को इसमें नया निवेश करने का मन हो रहा है, पूछ रहे हैं क्या ये सही फैसला होगा। नहीं पता मेरे को, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे जहाँ पे खुद ही सब कंफ्यूज रहते हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। लेकिन वोडाफोन आइडिया में एक चीज़ का आप सहारा ले सकते हैं मेरे हिसाब से, वो ये कि जो नए पैसे आए हैं वो 11 रुपए पे आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 11 रुपये वाला मामला है ना, ये अब इनके जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट गेम हो जाएगा। तो अगर आप कुछ करना चाहते तो मेरा दिमाग ये कहता है कि 11 रुपये वाले सहारे से कीजिए, 10-20 पैसा ऊपर नीचे आप देख लीजिए, उसको मुझे नहीं। लेकिन जिस लेवल पे पैसा आया है उस लेवल पे डिमांड फर्दर रहनी चाहिए, मुझे ये समझ में आता है। बाकी अपसाइड का पूरा डिपेंड करेगा कि आगे कंपनी क्या कर पाती है, कितना कर पाती है, सब पे डिपेंड। जी, लेकिन ये जो FPO आया है इनका, और उसके बाद जो एक उत्साह बना था, वो ठीक है, उत्साह हो गया, उसके बाद किसल क्या पूरा हो गया है, क्योंकि उसके बाद अब ये शांत पड़ गया है 13 के आसपास। हाँ, वो जो टेम्प्रेरी ट्रिगर था वो तो बेकिन हो गया प्राइस में ना। हाँ ये भी है कि जब बिरला जी को मैं सुन रहा था एफपीओ के, तो एक समय उन्हीं का स्टेटमेंट था राजीव जी की, आई डोंट वांट टू थ्रो गुड मनी आफ्टर बैड मनी। आज वही स्टेटमेंट कंप्लीट कॉन्फिडेंस में चेंज हो गया। तो सर्वाइवल इशू नहीं लगता है शायद आज के तारीख में अगर बात किया जाए तो, ग्रोथ डाउटफुल।